इतना भारी भरकम डायलॉग बस अच्छा बूम नहीं लिखा है। अरे नहीं मैं मतलब बताना पड़ता है बिल्कुल, यानी मैडम दोनों पहली बार आ रहे हैं एक साथ में, हॉलीवुड स्टाइल में बिल्कुल शूट होना चाहिए। आज डायरेक्टर के रोल में है ये प्रेस मीट में साइड प्रोफाइल थोड़ा सा प्रोफाइल दीजिए मैम, थोड़ा सा कैंडिडेट सर थोड़ा पास दीजिए कुछ है ऐसा कुछ बताओ ताकि हम लोग थोड़ा माइक के पास मतलब क्या बोलते हैं इतना तो बोलते हैं अब आज जब बोलना चाहिए तो नहीं बोल रहे हैं क्या बस आप आगे आ जाओ आप आगे आके जो भी बोलो कैमरा में दिख रहा है दिख रहा है ना सबको जी ईश्वर इतना मचाए रखा है सर जरा सा उस पे दे दिया माइक पे माइक पे लास्ट ओवर है पीछे नहीं हो रहा पीछे खाना लगा हुआ है सर लेफ्ट टू राइट देख लीजिए बस दोनों साथ में हम लेफ्ट टू राइट रुक रहे हैं अच्छा यहां से लेते हैं हां धीरे धीरे अरे कैमरा अंदर आओ व्हेन डू आई कॉल देम नाउ अभी बुला दिए सर को हां अभी बुला दिए नया घर ले लिया है यार सो अच्छा हाँ थोड़ा जी जी मैंने कहा नया घर इस बार गणपति नहीं पे घर पे बैठेगा पता नहीं अच्छा वो रेनोवेट मतलब यू आर प्लानिंग हाँ मैं लेता नवाज जी वैसे आप माहौल बना रहे थे पूरा क्या मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं करके करते हो कैसे करते बताओ आई एम राइट आज खोल दो राज मैं वही पूछ रही हूँ सुबह से जब से मिली हूँ एम आई राइट ना ये कहते हैं कुछ नहीं बोल के भी इतना करते हो सीधा साधा इंसान सब रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है इवन बेटर अच्छा बोल मैजेस्टिक मैजेस्टिक भाई बस हो गया आप लोग थोड़ा हम लोग आपका वेट कर रहे हैं सॉरी चलो जी वीडियो हो गया राजेश राजेश सर और हां आ चुके हैं इधर आ जाओ चलिए आ लेकिन चल रहा है इन लोग सर आपने ब्लू ओह माय गॉड हम लोग ब्लू सर अरे सर ठीक है इंद्र भाई गायब हो गए एक दिन इधर आ सकते हैं हां हां बस 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 हट जा साइड हो जा एक मिनट लास्ट एक मिनट राहुल किस काम ना नहीं आप आए मिल रहा है ना भाई वीडियो जरा पीछे लेना सर दूसरी पीछे रुक जा मेरा तेरा विजुअल हो जा सर अंदर हो जा भाई जरा कैमरा थोड़ा पीछे ले हां बनो हां थोड़ा हां बनो सर सामने और मैंने जो स्किल्स लिए ना मैं तेरे को दे देता हूँ सबको तो ट्रांसफर कर दो इंदर इंदर सनी इंदर पीछे पीछे एक भाई पीछे एक मिनट होगा सर एक मिनट जाए सामने सर मोबाइल थोड़ा मोबाइल वन मोर वन मोर यस सर यस सर यस सर यस सर स्माइल ब्यूटीफुल हो गया एक मिनट रहा हो गया तो सर हो गया जी तू एक मिनट होल्ड वन स्क्रीन लुक प्लीज सर एक मिनट जरा फ्रेम वन सेकंड एक बार बन गया फिर से ले लो बराबर नहीं आया थैंक यू चलो गाइस चलो
करके इसलिए था क्योंकि हम लोग चाहते थे कि एक ऐसे माहौल की फिल्म बने, ऐसे एटमॉस्फेयर की फिल्म बने जो हमारे बहुत करीब हो। और चूँकि हम वेस्टर्न यूपी से हैं, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ये बहुत अच्छी अच्छी कहानी कही जा सकती है वहाँ की चीज़ों को लेकर। तो ये एक मन में ख्याल आया था, चूँकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमारी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हमने देखा है वो चीज़ें, तो उस स्टोरी को कहने का आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं। नवाज, ये पहला मौका होगा जब आप रैप सॉन्ग गाते हुए नजर आएंगे, इसके लिए कैसे राजी हुए और किस तरह का गाना है? सी, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, बट कोशिश की है मैंने। जो हमारे कुमार साहब हैं उन्होंने गवा लिया मेरे से, बाकी मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं गा सकता हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ सिंगर। बट उसमें था कुछ ऐसे रॉ एलिमेंट थे उसमें, जिसमें आवाज़ मेरी शायद सूट हो मेरी। अभी आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, तो मैं कहाँ पे रैप करना कितना इजी या मुश्किल है सर? मतलब वैसे वो शब्दों का खेल होता है जो रैप करना होता है, सो इट्स नॉट एन इजी गेम, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना रियाज करना पड़ा इसके लिए? प्रैक्टिस की मैंने, थोड़ी सी प्रैक्टिस की। रैप सॉन्ग में जो इस सॉन्ग में स्पेशली ये खास बात थी कि वर्ड्स जो थे उसके, जो वर्ड्स हैं लफ्ज़ हैं उसके, वो खुद ही एक रिदम देते हैं, तो आप अगर नॉर्मली भी पढ़ दो उसको तो एक और रिदम के साथ पढ़ दो तो गाना बन जाता है। तमन्ना, आपसे जानना चाहूँगा, पहले जब मैंने सुना कि नवाज़ जी के साथ एक फिल्म ऑफर हुई है, मैं पहले चेक कर दी कि क्या वो सोर्स करेक्ट है कि नहीं, कोई मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा, ऐसे ही तो फ़ोन करके नहीं बोल रहा कि नवाज़ के साथ फिल्म है। तो मैंने पहले वो चेक किया कि इज़ इट जेन्युइन और नॉट, बिकॉज आई हैवन डन सो मेनी फिल्म्स हियर। एंड पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू नवाज़, लाइक एवरीबडी एल्स, एंड जस्ट लव योर वर्क। एंड इस किस्म की स्क्रिप्ट मैंने कभी आज तक की नहीं है। एंड ऑफकोर्स साउथ की जो भी फिल्में की हैं मैंने, उसमें रूरल साउथ को काफ़ी सारी बार दर्शाया होगा, लेकिन इस किस्म से नॉर्थ इन इंडिया का यू नो एक प्रदर्शन नहीं किया है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इस किस्म का किरदार मुझे ऑफर किया गया है, एंड मेरे लिए बिल्कुल भी नया होगा। एंड या आई मीन आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू जस्ट बी इन द सेम फ्रेम विद नवाज़, बिकॉज एज एन एक्टर यही तो एक चाह रहती है कि कुछ नया करने को मिले, कुछ जस्ट टू यू नो एक्सप्लोर अ न्यू कैरेक्टर। सो आई थिंक मैं उसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। बचपन में हम लोग देखा, आमतौर पर देखा जाता है कि गाने हर कोई गुनगुनाता है जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, लेकिन कोई आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशनल गाना या फिर कोई इंस्पिरेशनल सिंगर हो जो मतलब जिन्हें देख कर आप गाना गाना चाहते हो या ये रिकॉर्ड किया हो? यार मैं सिंगर तो हूँ नहीं, और ना मुझे आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, जो दूसरों की आवाज़ है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं पुराने गाने ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने सिंगिंग सुन के मैंने तो कभी नहीं सोचा, बल्कि और मेरा तो कॉन्फिडेंस लैक होता क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं हमारे यहाँ, तो हम तो खैर कोशिश भी नहीं कर सकते, बट वो आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हर तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। बहुत सारे सिंगर हैं जो बेहद पसंद हैं। हम मैं जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, मुझे रफ़ी साहब, किशोर कुमार, उस तरह के उनके गाने बहुत पसंद थे बचपन में। देखिए मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ इस फिल्म में, और मैं बस ये कह सकता हूँ कि वी आर लकी, वी हैव तमन्ना राइट नाउ, और जो भी होता है अच्छा भी होता है, जो बाकी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें तो मैं नहीं जाता, वो सारी प्रोड्यूसर के साथ टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें हम नहीं जा सकते, बट नाउ वी हैव तमन्ना एंड आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद तमन्ना। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आपको रिप्लेसमेंट का मौका मिला? मैं जानना चाहती हूँ, मैंने आज इन्हें बहुत पकाया है ऑलरेडी सुबह से, कि बिना कुछ किए कैसे इतना सब कुछ करते हैं, तो ये फिल्म में जो पहेली है मेरी होपफुली ये सुलझ जाएगी और मुझे मालूम पड़ जाएगा ये राज क्या है जो सबको इतना पसंद है। तो
much I'm allowed to throw light on what the film is like. Nawaz, aap hi bol sakte hain. जैसे मैंने बताया कि एक एटमॉस्फेयर है जो जो हम लोगों ने बचपन से देखा है अपने वेस्टर्न यूपी में स्पेशली, उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. अब जोन क्या होगा वो तो आप देख के पता चलेगा. थैंकफुली इस फिल्म में मेरे बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं और लाइक अनुराग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं. एट द सेम टाइम राजपाल हैं, आदित्य श्रीवास्तव हैं, जिनको मैं हम 25-30 साल पहले हम लोग साथ में थिएटर करते थे तो उस टाइम के एक्टर्स हैं. तो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द ऑल टीम ऑफ एक्टर्स. और अनुराग के भी आपको टैग किया है एक मूवी में, उनके साथ वो एक्टर वाला जो केमिस्ट्री इस बार बनने वाली है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उनके साथ एक्ट काफ़ी मैंने किया भी है, एक दो फिल्मों में किया है. मैंने एक फिल्म में किया था घूम के टू, तो वो रिलीज भी हुई अभी बहुत पहले, एक फिल्म की थी. दो तीन फिल्मों में किया है उनके साथ एक्ट. Well, yeah, it is a love story. It is a love story. So this is the first time you're working with him. How was that experience? See, brother, मुझे तो एज एन एक्टर ही काम करना है. मैं कोई एडवांटेज उस चीज़ की उठाना नहीं चाहता हूँ, ना उसको उठानी चाहिए मैं कि हम लोग जो सेट पे होंगे तो प्रोफेशनली जिस तरीके से बाकी फिल्मों में काम किया है उसी तरीके से इस फिल्म में काम करें. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दो मिनट का ट्रेलर भी था, उसने बहुत बांध के रख दिया कि क्या है अंदर, क्या है बैक स्टोरी और चल रही है और क्या हो गया. ठीक है, नेट इसके सीरीज़ के बारे में ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ. आई थिंक जितना ट्रेलर से रिवील हो रहा है उतना ही हम अलाउड हैं बोलने के लिए. बट ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फर्स्ट सीजन से था बहुत आगे का सेकंड सीजन. क्या कोई कॉम्प्लीमेंट मिला आपको जिस तरह का अंदाज नज़र आ रहा है? अभी ट्रेलर में क्या कह सकते हैं, ट्रेलर में तो मतलब जो दिख रहा है वही है. तो जब आएगा सीरीज आएगा तब पता चलेगा. Because you have done intense role today, an intense role, very good character based role here. But this is the first time you will be attempting a romantic subject. And Amitabh for your matter, you have been working in big mega budget films like Bahubali and all those. How do you see yourself with Nawaz in this direction? Actually, इस फिल्म के साथ मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग पूरी तरह से भूल जाएं कि मैंने आज तक कोई फिल्म की है और मुझे एक न्यू कमर जैसे अपनाएं. बिकॉज ये एक नया किरदार है एंड आई लिटरली वांट टू अटेम्प्ट इट विथ नथिंग इन माय माइंड. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा अपने इमोशंस पर ध्यान दे के इस फिल्म को इन्जॉय करना चाहती हूँ. सो एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट. सो मैंने आज तक क्या किया है और आज तक मैं कौन हूँ वो सब मिटा के कुछ नया करना चाहती हूँ. हाँ जी, हाँ, देखा जाए तो मेरा फर्स्ट रोमांटिक आउट एंड आउट रोमांटिक रोल होगा. मैं कोशिश करूँगा. तमन्ना ने तो बहुत किए हैं बट मैं इनसे कुछ सीख मिलेगी तो मुझे उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते देखते हैं क्या मिलता है. लेट्स सी, मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ एक्चुअली. नवाज भाई, आपके फैंस बोलने लगे कि कभी कभी लगता है कि एक्टिंग का भगवान तो आप ही हैं. नहीं यार, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है. भगवान कैसे बोलेगा कि वो भगवान है? व्हाट इज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? गाइस, लास्ट क्वेश्चन. और जैसे आपने कहा नवाज की वेस्टर्न यूपी की पूरी पूरी कहानी सेट है और वहीं के प्रेम का है, बताना नहीं चाहते कि मुझे पता चल गया कि सब आपको यूपी में है. तमन्ना, किस तरह का प्रेम दिखाया जाएगा जो हम कमर्शियल फिल्मों में देखते हैं, टिकटॉक वगैरह, वो सब तामझाम होता है? देखिए, ये एक फैमिली फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि इसमें बच्चे और माँ बाप पूरी फैमिली की फैमिली आए, तो हम लोग उस चीज़ का ख्याल रखेंगे क्योंकि उसके लिए मेरे बहुत सारे मैं कर चुका हूँ तो ऑलरेडी मेरे पे ठप्पा लगा हुआ है इस तरह का. तो मैं नहीं चाहता इस फिल्म में कुछ ऐसा हो, बट ये ज़रूर है कि जो प्यार है बहुत ही इंटेंस होने वाला है. प्यार मोहब्बत जो इस फिल्म में दिखाएंगे और फैमिली ऐसी फिल्म जो पूरी फैमिली के साथ देख सकते. Thank you. Thank you. Thank you so much.
स्टील बैठो स्टील सामने सर इधर सर